व्याप्य लोकान् भोक्ता भोगान्स्तविष्टान् पुनरपिधिशलोकाशितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वशरीरं मधुरम् मायया भोजयन्नो माया सङ्ख्यातुरीयं परममार्गभजनं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। प्रपंच पूर्ण रूप से यदि अपने में विलय प्राप्त करते सबसे कल्याणकारी स्थिति है। इस प्रकार ओंकार को जो जाना ओंकार विदितम येन स मुनि जन अनेक जन्म की तपस्या से मानसिक शुद्धता से मनन करने के फलस्वरूप वो व्यक्ति जो है जन्म मुक्ति के बंधन से छूट जाते हैं। बहिश्चित्त के द्वारा इसका अनुभव नहीं किया जा सकता है। पहले आगम प्रकरण में पहली बात है यहाँ पे चार प्रकरण है। आगम प्रकरण में जगत की मिथ्यात्व को उनका श्रुति वाक्य के सहारे से मिली। अब जो है जगत की मिथ्यात्व केवल श्रुति के सहारे नहीं युक्ति के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान भाष्यकर हमारे इसमें लिखते हैं उपदेश पंचकम श्रुति अनुकूल तर्को अनुसंधान तर्को आपको चाहिए अनुमान चाहिए विचार चाहिए परंतु श्रुति वाक्य को समन्वय करने के लिए जैसे अनुकूल तर्क है उस अनुकूल तर्क को अब इसीलिए श्रुति के द्वारा जिस चीज़ को आपने प्रतिपादन किया उसी को युक्ति के द्वारा रिइन्फोर्समेंट है ना पुष्ट करना इसलिए द्वितीय प्रकरण आ रहा है। हमेशा हम ध्यान रखना कि अनुमान के द्वारा जो चीज़ हम जानते हैं अनुमान से पहले कोई ज्ञान आपको चाहिए तब जाकर अनुमान से आपको जान सकते हैं। अनुमान से पहले आपको व्याप्ति ज्ञान चाहिए। अब यहाँ भी यदि आप अनुमान मतलब युक्ति के द्वारा आप प्रकृति मिथ्या को शुद्ध करना चाहते हैं तो पहले आपको उससे पहले कुछ ज्ञान चाहिए वो होगा आगम श्रुति से जो ज्ञान था तो वह उससे हम फिर अनुमान के द्वारा पुष्ट करें इसलिए द्वितीय प्रकरण शुरू हो रहा है। ठीक है इसका नाम है वैतत्व प्रकरण तथा मतलब द थिंग एज इट इज बी तथा मतलब जो थिंग जो दिखाई दे रहा है वो ऐसे नहीं है इट इज नॉट लाइक दैट और इसका जो भाव इसको बोलते हैं वही तत्व है ना। यहाँ पे जो है यण प्रत्यय होता है बी तथा में वहाँ पे लग करके आगे आदि उसको वही तत्व बन जाते हैं। श्लोक का हमने पढ़ा था ना नहीं पढ़ा था ठीक है।
तो अच्छा यहाँ तक हम पढ़ लिए थे टीका में, मतलब भूमिका के रूप में जो कहा था, इदानीम तन्मिथत्व प्रतिपत्ति प्रधान प्राधान्य न भी प्रतिपत्व सुखम सुशतम इति दर्शयित। अब जो है पहले आगम प्रधान के द्वारा निर्णय किया टीका में, फिर आप क्या करना चाहते हैं, ये जो मिथ्यात्व है ये युक्ति प्राधान्यता से भी आप इसको समझ सकते हैं, युक्ति की प्राधान्यता होगी, सुखी बात कभी होगा तो सुषकम ये समझना भी आसान है। इसको दिखाने के लिए क्या करता है, प्रकरणांतर अवतारण दूसरा प्रकरण मतलब वैतत्व प्रकरण का अवतरण करते हुए आदो दृष्टांत सिद्ध्यर्थम, दृष्टांत जिसके द्वारा हम इसको समझाएंगे उसको सिद्ध करने के लिए इस विषय में सभी का सम्मति है। पूर्व पूर्व जो हमारे पूर्वाचार्य का वर्तमानाचार्य का आगे तो सब इसको मानेंगे, दृष्टांत को जब ठीक से समझे समझ जाएंगे तो दृष्टांत में किस बात को लगा है वो जब समझ जाएंगे। इसलिए जो होता है दृष्टांत सिद्धि हम यहाँ पे अनुमान करेंगे विगत मिथ्वा दृश्यत्वा स्वप्नवत, लेकिन ऐसे अनुमान करते हैं विवादास्पद ये जगत सत्य नहीं है, क्यों, क्योंकि दृश्य होने के कारण जैसे स्वप्न स्वप्नवत स्वप्न ये दृष्टांत हो गया। अब दृष्टांतों में आपको क्या होना चाहिए, आपको साध और हेतु दोनों बैठना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सभी बात ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि स्वप्न हमको दिखाई पड़ता है, दृश्यत्व रूप धर्म स्वप्निक वस्तु में है, स्वप्निक वस्तु में दृश्यत्व रूप धर्म बैठा हुआ है, तो विमता मिथ्या दृश्यत्व हेतु अपना दृष्टांत में बैठा। और प्रत्येक व्यक्ति की मान्यता स्वप्न में दिखा हुआ वस्तु मिथ्या होता है, परमात्मा है, तो दृष्टांत तो जो स्वप्न है तो स्वप्न में आपका हेतु और साधु दोनों बैठे। अब जगत प्रपंच में दृश्यत्व है, इसलिए दृष्टांत को पहले पक्का कर रहे, देखो तुमको समझ में आता है स्वप्न मिथ्या क्यों होता है, उसके पीछे हेतु देंगे, क्यों क्या हेतु देंगे, पहले कि अंदर दिखाई देने के लिए बोलते हैं, अंदर तो कई वस्तु दिखाई देता है, कमरे के अंदर टेबल चेयर दिखाई दे रही है, मिथ्या थोड़ी है बोलते, वो नहीं मतलब जिस वस्तु को जहाँ होना संभव है उससे भिन्न भी नहीं, खरा में पानी मिलता ये बात नहीं है, परंतु पानी के अंदर जब हमको पहाड़ दिखाई पड़ता है, ठीक समझ में आ रहा है ना, खरा में पानी ठीक है बात की, अब हम बाहर रख दिया तो हिमालय के पति वो छाया मिलता है, मतलब जो वस्तु जहाँ देखना संभव नहीं है वहाँ पे अगर दिखाई दे तो उसको मिलता दिखाई देगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इसको मन में रखते हुए अब श्लोक बोल जाएंगे, वैतत्थं सर्वभावानां वैतत्थं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः स्वप्न आहुर्मनीषिणः अन्तस्थानात्तु भावानां अन्तस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना संवृतत्वेन हेतुना वैतत्त्वं सर्वभावानां स्वप्नाहुर्मनीषिणः अन्तस्थानादुभावानां संवृतत्वेन हेतुना। देखो ये मनीषिणः योग्य पाठ और क्रियापाठ हो जाएगा आहु आहु, आप तो अलगिगंज पढ़ गए ना, अलगिगंज एक छुपरा है ना, गुह पंचदीनम आदि का आहु गुह गुरु धातु का शुरू से जो पांच वचन है उसको क्या होता है, वो लट लकार लीट लकार लट लकार होते हुए लीट लकार का टर्मिनेशन भी लेता है और गुरु को आह आदेश हो जाता है, गुह पंचदीनम आदि का आह ध्रुवः, पहला ध्रुव पंचमी है, अंतिम ध्रुव षष्ठी है, वो आप सूत्र है अननी सूत्र अदादिगण में आएगा तक, तो ध्रुव पंचादीनाम आदित आह ध्रुव मतलब ध्रु धातु का लट लकार में, ध्रु धातु का लट लकार में पहला जो पांच टर्मिनेशन है वो लिट लकार का टर्मिनेशन और उस स्थल अब से होगा और ध्रु धातु का आह आदेश हो जाएगा, ठीक है ना, तो आह हुआ और उसके बाद आपका नल का आकार लगा आह अतुष आह तु आहु थर्ड पर्सन प्लुरल उस आया हुआ आहु आहु का मतलब बोलता है दू धातु वक्तायाम वाच मतलब स्पष्ट बोलना स्पष्ट बोलने अर्थ में भू धातु आता है। तो यहाँ पे मनीषिणः मतलब प्रमाण कुशल किस वस्तु को जानने के लिए, जिस प्रकार रूप को जानने के लिए आँख प्रमाण है
इसके बिना कोई प्रमाण का। इस प्रकार प्रमाण को लेकर के, प्रमाण मतलब किसी वस्तु को जानने के लिए, प्रमाकरणम प्रमाण, किसी वस्तु के ज्ञान के लिए जो असाधारण कारण है, असाधारण कारणम करणम, असाधारण कारण उसको हम प्रमाण बोलते हैं। और ये मनुष्य का मतलब प्रमाण कुशली न, प्रमाण के विषय में विचार करने में जो लोग कुशल है, इस प्रकार के व्यक्ति लोग, इस प्रकार के व्यक्ति लोग मनुष्य न आहु, प्रमाण कुशल व्यक्ति ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भावान स्वप्ने भावान तत्व, यहाँ पे सप्तमी अंत है, स्वप्न, स्वप्नों में जो वस्तु दिखाई पड़ता है, स्वप्ने भावान वैतत्थम, स्वप्न में जो भी वस्तु दिखाई पड़ते हैं वो क्या है, मिथ्या है, वो यथार्थ नहीं है। बी तथा मतलब जैसा वो ऐसा नहीं, सभी आपको उपलब्ध होता है उसका भाव, बी तथा के लिए भाव है। आप कैसे से बोलना, ये आपका प्रतीक है, मतलब स्वप्न दृश्य मिथ्या, बी तथा स्वप्न भावा मिथ्या, ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिज्ञा वर्ग। हेतु क्या दे रहा है? भावानाम अंतस्थानात्, अंतस्थानत्वात्, अंतस्थानत्वात्, पहले ये हेतु लगाया। जब ते पंच पूर्णवादी को सूत्रधार पकड़ने वाले हैं, बोलते अंतस्थान अंदर में होने से मिथ्या होता है, कमरे के अंदर, यहाँ पे आप देखिए कपड़े के अंदर आपका शरीर है, दिखाई देता शरीर मिथ्या है, बोलो कपड़े के अंदर शरीर है, मिथ्या तो नहीं बोलेगा तुम उसके, मतलब तो बात की बात है, सामान्य सिद्धांत यही है। अब एक कमरे के अंदर कितना टेबल चेयर हम लोग सब बैठ के पड़े, मिथ्या है, इसलिए अंतस्थान हेतु आपका सही नहीं है, व्यभिचार हेतु है। बोलता अरे मतलब अंतस्थान से अभिप्राय वो नहीं है, समृतत्व नहीं, मतलब संक्षिप्त जगह में, मतलब जहाँ पे जो देखना संभव नहीं है वहाँ पे अगर वो दिखाई दे वो मिलता, वो मिलता संभृतत्व, मतलब संकुचित स्थान में देखना, संकुचित स्थान अभिप्राय मतलब जहाँ पे जो देखना संभव नहीं है वहाँ पे अगर वो दिखाई दे उसको मिथ्या मिलता है, उसका मिथ्या मिलता है। जहाँ पे दिखाई दे, देखिए देखना संभव नहीं है दिखाई दे, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब होता है ऐसा, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे रज्जु पराव हमको क्या दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, फिर बाद में हम स्वयं ही निर्णय करते हैं कि सर्प, सर्प जो पारमार्थिक नहीं है, कमरे का अंदर सोया हुआ है और हमको लग रहा है कि दिन में मैं हिमालय की चोटी में चढ़ रहा हूँ, कमरे का अंदर कमरे से बाहर तो गए गए नहीं वो, परंतु इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि स्वाप्निक निश्चय भी, अरे ये सभी वादी का संबंध है, कोई बात इसको नहीं कर निश्चित नहीं कर, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं मनीषिण स्वप्ने सर्वभावाना वैतत्थम आहू, ठीक है, तस्मात अंतस्थाना तो भावाना, क्योंकि वहाँ पे भाव वस्तु अंदर विद्यमान है, अंदर से हमारा अभिप्राय है कि जहाँ पे जो देखना संभव नहीं है वहाँ पे अगर नहीं समृतत्व न हेतु ना, ठीक है, मतलब जो संकुचित स्थान में जहाँ पे जो होना संभव नहीं है वहाँ पे अगर वो दिखाई दे, इसलिए यहाँ पे हम इसको मिथ्या बोलते हैं। तो हमारे देखिए वेदांत में सबसे पहले प्रमाण कौन है, श्रुति, श्रुति को पुष्ट करने के लिए स्मृति, स्मृति के बाद क्या आता है युक्ति, और युक्ति के बाद अपना अनुभव, युक्ति के बाद क्या अनुभव, अपना अनुभव, श्रुति जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा, केवल शब्द मात्र रह जाएगा, इसलिए वेदांत के प्रमाण के क्रम है श्रुति वाक्य को आश्रय करके स्मृति के द्वारा पुष्ट करके और फिर जो है क्या करना है उसको कि युक्ति अपने आप श्रुति अनुकूल तर्क के द्वारा मनन के माध्यम से उसको निश्चय करके फिर अनुभव निधि ध्यास, अनुभव निधि ध्यास, अनुभव निर्देश निश्चय हो गया। आप देखिए यहाँ पे भाष्य का लिखते हैं पूर्व पर ग्रंथ की संबंध संबंध जोड़ने के लिए, एक श्लोक आया था आपके पास 18 नंबर का, विकल्प विनिवर्तित कल्पित जेन यदि के नचि उपदेशात अयम वाद ज्ञाते द्वैतम न बिंदु, नंबर 18, विकल्प विनिवर्तित कल्पित यदि के कल्पित जेन के नचि उपदेशात अयम वाद, ये उपासना के बाद उपदेश के ज्ञाते द्वैतम न बिंदु, ये जो बोला हमने ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति योगः, इस श्रुति वाक्य के आधार पर श्रुति अपने आप ही बोलती है क्या यदि आत्म तत्व की व भगवत तत्व की ज्ञान होता है तब भेद बुद्धि भेद नहीं रह जाता, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहेगा, द्वैत नहीं रह जाता, जो वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको ही जब उसी जगह पैदा विषय हो जाता है, अथवा ज्ञान ज्ञान के द्वारा जिसको बोला देखो ज्ञाते ज्ञान से द्वैत का नाश होता है, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान के द्वारा द्वैत का नाश होता है, परंतु क्या जाएगा ज्ञान निवर्तकत्वम मिथ्यत्वम,
जो वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रहा है वहीं पे निषेध हो रहा है। त्रैकालिक त्रैकालिक निषेध प्रतियोगितम प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगितम इत्थम एवं अद्वैत सिद्धि मनुष्य सरस्वती परिभाषा है ना। इसलिए उपाधि में यदि तीन काल में कोई वस्तु का निषेध हो जाता है उसको मिथ्या बोलते हैं, जहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वहीं पर निषेध होता है उसको मिथ्या बोलते हैं। इसलिए तीन काल में नहीं है, हमेशा निर्णय करता है जानने को अधिष्ठान भी कहते हैं। इसमें इसको इस प्रकार रज्जु को प्राप्त सर को दिखाई दे रहा है, सर को दिखाई दे रहा है जब आपका ज्ञान हो जाएगा ज्ञाते वही तो ना भी जहाँ भी जिस रज्जु में आपको सर को दिखाई दे रहा है अंदर जगह के सर को निषेध नहीं होगा, जिस रज्जु में आपको जहाँ पर दिखाई दे रहा है उस सर को निषेध हो जाता है। और जहाँ पे दिखाई दे रहा है वहीं पे भी निषेध हो रहा है, इसीलिए इसको इसलिए ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति उत्तम है ना। शास्त्र ने ये दिखाया कि ज्ञान हो जाने पर फिर भेद मूर्ति नहीं रह जाए, किसके आधार पर? आगम प्रथम के आधार पर। इसलिए एकम एव अद्वितीय इत्यादि श्रुतेभ्य है ना, एकमेव अद्वितीय यत्र हि द्वैतमिव भवति तत् इतरेतरं पश्यति यत्र तु सर्व आत्मै बाहु तत्केनकं पश्यकेनकं विजानीया इवृदन्न श्रुति है ना। वहाँ पिता मैत्री ब्रह्म मानना है हमारे। तो इस प्रकार से श्रुति वाक्य के आधार पर द्वैत प्रपंच में पारमार्थिकता नहीं है ये सिद्ध है, परंतु श्रुति प्रमाण कोई व्यक्ति नहीं मानती, कोई वादी केवल अनुमान को ही मानते हैं, कोई वादी केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं नास्तिक दर्शन के अंदर। तो वो लोग बोलते हैं कि श्रुति तो आप बोल रहे हैं पर श्रुति का ये अभिप्रेत अर्थ नहीं है। बोलता ठीक है तुमको श्रुति समझ में या युक्ति समझ में आता है तो युक्ति के द्वारा समझाएंगे। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे एकम एवं अद्वितीय इत्यादि श्रुति आगम मात्र में तक, ठीक है ना, ये जो है एकमात्र आगम है, श्रुति मात्र है, ठीक है ना, ये अनुभव में नहीं आता, समझ युक्ति में भी नहीं बैठता। इसीलिए आगम मात्र तक ये केवल मात्र शब्द मात्र है। तत्र उपपत्यापि द्वैतस्य वैतत्वं शक्यते अवधारयितुम्। अब तत्र तत्र मतलब क्या नहीं जाना वहाँ पर उपपत्यापि तत्र मतलब इस विषय में इस श्रुति वाक्य में है ना, इस श्रुति वाक्य में तत्र युक्ति के द्वारा भी द्वैतस्य वैतत्वं मतलब इत्थत्वं शक्यते अवधारयितुम्। इसी विषय में जिस विषय को लेकर के विचार किया जा रहा है, क्या विचार किया, जागतिक वस्तु पारमार्थिक सत्य नहीं है, इस विषय में आप इस विषय को आप युक्ति के द्वारा भी, यहाँ पे विषय शब्द भी है, इस विषय को आप युक्ति के द्वारा भी उपपत्या अपि द्वैतस्य वैतत्वं शक्यते अवधारयितुम् है ना। द्वैत प्रपंच के मिथ्यात्व आप निश्चय कर सक अवधारयितुम् निश्चय इति। इसलिए द्वितीय फिर क्या लिखा आगे आरंभ प्रकरण में प्रकार काट दीजिए प्रकरण द्वितीय प्रकरण देखिए वैतत्वाकम द्वितीय प्रकरण को ऊपर भी हेडिंग है इसका, ठीक है ना। तो आकार को काट देना है, संशोधन कर देना पुस्तक में, द्वितीय प्रकरणम आरभ्यते द्वितीय प्रकरण को शुरू किया जाता है ना। तब जाकर के वैतत्व श्लोक की प्रतिज्ञा वैतत्वम सर्वभावान स्वप्ने आहुर मनीषण अंतस्थान प्रभावान संभुतत्ते नहीं। देखिए वहाँ पे स्वप्न लिखा हुआ है श्लोक, वो वहाँ पे विषय को रहने से भी यही दिखेगा क्योंकि विषय को आकार के बाद विषय को बाद में आकार ड्रॉप हो जाएगा और एकार रहने पर भी यही। तो यहाँ पे क्या अर्थ करेंगे, एकार अर्थ स्वप्ने स्वप्न में मिथ्या। पहले भाष्य ही पढ़ लेते हैं, वितथस्य भाष्य पहले वितथ वैतथ्य के अवस्था है, होते हैं वितथस्य भाव वैतथ्यम है ना। बी तथा तथा मतलब द थिंग एज इट इज, बी मतलब वो ऐसा नहीं है, और इसका जो भाव तस्य भाव उस भाव में यहाँ पे यं प्रत्यय हुआ या यं यं प्रत्यय हो सकता है आदि उसको वृद्धि कर दिया और थ में यह जुड़ गया, जैसे कि जैसे ना बी तथा में जो अकार है वो अकार का रूप हो जाता है। आपके पास आया है यश से पीछे जो आपका देखिए अजंत नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में यश से पीछे अकार लिखा का लोग होता है, यहाँ भी उसका अकार का लोग हो जाता है, तथा अकार का लोग होकर के यह कभी जाता है वैतथ्यम तथ्यम मतलब ये अपने आप लिख रहे हैं असत्यत्म वैतथ्यम मतलब असत्यम नहीं लिखा,
असत्यत्व, उसके अंदर सत्यत्व धर्म नहीं है, है ना, सत्यत्व धर्म नहीं है। वैदत्व मतलब असत्यम नहीं देखा, असत्यत्व देखा। ये चीज में कई जगह हो जाते हैं, मिथ्या और असत एक नहीं है। मिथ्या असत और अनित्य तीन शब्दों का प्रयोग होता है, मिथ्या असत और अनित्य। असत वस्तु का प्रतीति ही नहीं होती, मिथ्या वस्तु की प्रतीति होती है परंतु निरावशेष नाश होता है, और अनित्य वस्तु का क्या होता है, सावशेष नाश होता है। प्रतीति भी है, सावशेष नाश। तीन शब्द है हमारे पास, असत मिथ्या और अनित्य, असत मिथ्या और अनित्य। असत मतलब क्या होता है, असत वस्तु की प्रतीति ही नहीं होती, असत वस्तु की प्रतीति ही नहीं होती। आकाश को शुभ जिसको सत रूप में भी प्रतिपादन नहीं किया। देखिए हमने मिथ्यात्व का चौथा परिभाषा बोली, पहले बोला था ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्व, प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व मिथ्यात्व, जो वस्तु जत्र विषय तत्र निषेध मिथ्यात्व, और क्या सत असत विलक्षणत्व मिथ्यात्व, जिसको सत अथवा असत दोनों से नहीं कहा जा सकता। इसका उदाहरण है रज्जु शब्द, ना ना सत असत, ये जगत आपके सामने कोई वस्तु, घट को आप सत बोलेंगे कि असत बोलेंगे? यदि वो सत होता तो कभी नाश नहीं होता, और यदि असत होता तो प्रतीति नहीं होता। इसलिए सत असत विलक्षणत्व मिथ्य, सत असत, सत भी नहीं कहा जा सकता है, असत भी नहीं कहा जा सकता, इस वस्तु को उसका मिथ्या बोलते हैं। क्यों? यदि सत होता त्रिकाल अबाधत्तम सत्यत्तम, तीनों काल में बाधित नहीं होता, और तो जागतिक वस्तु बाधित हो जाते हैं, और यदि असत होता तब उसकी प्रतीति नहीं होती, बल्कि प्रतीति हो जाए सत्य। ये क्लैरिटी अगर है ना, तब कभी भी जगत को मिथ्या बोलने में आप घबराएंगे नहीं, तब कभी घबराहट नहीं होगा, तो सिद्धांत में कोई आपका संशय नहीं होगा, संशय विपर्य से रहित आपका ज्ञान रहेगा कि हमारे मिथ्या की परिभाषा ऐसी है, सद असत विलक्षणत्म मिथ्या। इसलिए असत्यत्तम मतलब क्या है यहाँ पे, अनित्य वस्तु मतलब जो नाशवान वस्तु, उत्पत्ति विनाशील वस्तु, जैसे घटपट आदि, घटपट आदि अनित्य वस्तु होते हैं। अब यहाँ पे अनित्य मिथ्या में क्या भिन्नता है, अनित्य वस्तु की जब नाश होती है तब उसका जैसे दिखाई दे रहा मतलब व्यवहारिक शब्द को, इसको आप लकड़ी से मार सकते हैं और फिर उसको जला सकते हैं, और जब नाश होगा तो कुछ ना कुछ राख रह जाएंगे, ठीक है ना। परंतु रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है जो सर्प, वो सर्प को मारने के लिए ना लट्ठी चाहिए, ना उसको जला सकते हैं, और ना उसको मतलब ज्ञान होने पर उस सर्प का कुछ भी अवशेष नहीं रहेगा, नील अवशेष नहीं, केवल अधिष्ठान बचा, केवल अधिष्ठान बचता है। इस प्रकार से बोले असत्यम इति अर्थ, ये इसका विदथस्य भाव वैतत्तम असत्यत्तम इति अर्थ। तब बोलते हैं किसका असत्यत्तम, हस्य है ना, तब उत्तर क्या दिया, सर्वभावानाम, ठीक है ना, सर्वभावानाम में षष्ठी तत्पुर समास है, सर्वेषां भावानाम, सर्वभावानाम क्या होगा, सर्वेषां भावानाम, समस्त भाव वस्तुओं का। तो यहाँ पे देखिए सर्वेषां मतलब कहा, कल मैं बोल रहा था ना, जब दो प्रकार से बोले, बाह्य वस्तु बाह्य स्पर्शेश अशक्तात्मा विन्दति, इसके संदर्भ में क्या हुआ था कि बाहरी वस्तु, भगवान भाष्य का सर्वेषां में देखो दो भाग विभाजन किया, बाह्य आध्यात्मिकानाम भावानाम, मतलब सर्वेषां मतलब कहेगा बाह्य आध्यात्मिकानाम भावानाम, बाहरी वस्तु के अगर घट पट मन जो भी कुछ सामने दिखाई दे रहा है, या और आध्यात्मिक भाव क्या हो गया हमारा, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां, ये सब जो है इससे जो वृत्तियां सारा बड़ा कठिन लगता है। यहाँ पर भगवान भाष्यकार की भक्ति को देखिए, अपने आप बोल रहे आध्यात्मिकानाम भावानाम, बाह्य भाव की इच्छा है इसका इतना कठिनाई नहीं होता, परंतु यहाँ अंदरूनी वृत्ति को मिथ्या समझना। देखो क्यों, देखो जिस प्रकार जिस समय हम स्वप्नों में रथ को देखते हैं, स्वप्नों में हम रथ दिखाई दे रहे हैं, अपने आप बोलेंगे हम तो रथ मिथ्या है, ठीक है ना, क्योंकि रथ वहाँ पे है, परंतु रथ का ज्ञान हो रहा है तो रथ का ज्ञान सत्य होगा कि नहीं होगा। रथ आपका जो वस्तु आपको दिखाई पड़ रहा है वो वस्तु मिथ्या वस्तु है, तो उस मिथ्या वस्तु का आपको ज्ञान हो रहा है स्वप्न में, तो ज्ञान सत्य होगा कि मिथ्या होगा, नहीं वो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, परंतु ज्ञाता मिथ्या नहीं है, जिसने स्वप्न देखा वो मिथ्या नहीं है। तत्कालीन तो स्वप्न,
तब वो तो जब तक अशुद्ध रहेगा तब तक सत्य है, उसमें तो हम निषेध नहीं करते, उस विषय में कोई शंका नहीं है। जब तक हम स्वप्न देखेंगे तब तक बिल्कुल सत्य रहेगा, परंतु जिस समय आप स्वाप्निक वस्तु को मिथ्या निश्चय करते हैं उस समय आप स्वयं निश्चय करेंगे उस समय ये मेरा स्वप्न वस्तु का ज्ञान हो रहा था वो भी मिथ्या ही था। ये आध्यात्मिका नाम भाव, ये चीज को अच्छी तरह से समझने तब क्या होगा, हमारा जितना वृत्ति में समझता हूँ ये नहीं समझता अज्ञान दशा में सबको ऊपर आपका वो हो जाएगा। नहीं, रथ का ज्ञान भी मिथ्या है, रथ का ज्ञान का ज्ञाता मिथ्या नहीं है, बिल्कुल सब देखा था। और वो जब आपने सपनों में देखा, जब आप उसको सपनों में देखा, मैं सपनों का यहाँ विचार शुरू हुआ सपनों को लेकर के, इसीलिए पहले दृष्टांत को समझ लीजिए अच्छी तरह से। पहले अपने बच्चों का प्रतिज्ञा किया, दृष्टांत को यदि ठीक से समझ जाएंगे तो दृष्टांत में घटाना आसान हो जाएगा। इसलिए दृष्टांत को समझ लीजिए, स्वप्न में जिस वस्तु को हमने देखा तो साप्निक वस्तु यदि पारमार्थिक नहीं है तो साप्निक वस्तु का ज्ञान भी पारमार्थिक नहीं, परंतु ज्ञाता मिथ्या नहीं, जानने वाला जो उसको जाना था वो मिथ्या नहीं। हाँ, वो जिस शरीर से जान जाता वो शरीर भी मिथ्या है, स्वप्न में जो शरीर नॉलेज का मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉलेज का नाश नहीं हो रहा शास्त्री, आप ये नहीं बोल रहे हैं, परंतु जिसको बोलते हैं जिस वस्तु का ज्ञान विषय को जिस वस्तु को आश्रय करके आपका ज्ञान हुआ तत्संबंधित ज्ञान को मिथ्या बोलते हैं। जो हम स्वयं निश्चय करते हैं उसको कि मैं सपने में जो वस्तु को देखा था को वो आपको किसी ने वस्तु कोई दिया और आपने उठ करके वो वस्तु आपको नहीं मिला तो आप स्वयं क्या निश्चय करेंगे वो जो ज्ञान हुआ था मेरे को कि मेरे को मिला ही नहीं, आप स्वयं निश्चय करेंगे ज्ञान भी मिथ्या था। इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म है बाह्य आध्यात्मिका नाम, ठीक है। मैं एक अनदर एग्जांपल करके कर सकते हैं, कोई लड़का छोटा लड़का वो 2+2 गलत किया है लेकिन वो अपना ज्ञान से किया है, अपना जो ज्ञान था उससे किंतु गलत हो गया, वो ज्ञान 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 गलत हो गया, वो 2+2 फोड़ नहीं है ठीक से, गलती नहीं किया उस समय, गलती किया। इसी तरह हम लोग भी स्वप्न काल में गलती करते हैं, स्वप्न काल में जब रहते हैं तब तक हम सुसत्य मानते हैं, हम ठीक इसी प्रकार जब जागते हैं तब हमको समझ में आ जाता है वो वस्तु और वस्तु संबंधित ज्ञान दोनों ही मिलता है। इसी प्रकार इस माया निद्रा से जब हमारी विवेक जग जाती है तब हम निश्चय कर पाएंगे कि ये शरीर और शरीर से अंदर बैठ करके जो भी ज्ञान हो रहा था सारा ज्ञान मिलता है, सारा ज्ञान। अद्भुत, देखिए ये देखिए इतना वेदांत पढ़ने पठन पठन करने वाला शास्त्र संबंधित ज्ञान भी मिलता ही, ये क्योंकि ये स्वप्न काल है, हम स्वप्न में बैठ करके माया निद्रा में सो करके पठन पाठन अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए जो आत्मज्ञान है इससे होगा परंतु इससे भिन्न विलक्षण वस्तु है वो शास्त्र के द्वारा नहीं होगा। जो अनुभव स्वप्न में होते हैं वो जागृत में भी महसूस होता है कि हाँ वो ठीक है लगा या कुछ हुआ, हाँ कोई बात नहीं, तो वो नहीं ये व्यतीत मान लीजिए। कभी कभी कैसे होता है मैंने जो स्वप्न में देखा अचानक देखता हूँ कल स्वप्न में देखा कोई व्यक्ति आ रहा है और वो पिछले को आ गया तो आप बोलेंगे स्वप्न तो सत्य हो गया, परंतु वो जनरल नहीं, वो व्यतिक्रम है, व्यतिक्रम है, व्यतिक्रम का दृष्टांत तो नहीं दे सकते, जनरल जो है वो दृष्टांत हो गया। इसलिए आपने देखिए मैं इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा रोकी सर्वेश बाह्य आध्यात्मिक नाम भावानाम पदार्थानाम बाहर और आध्यात्मिक पद, ये इंपॉर्टेंट है। बाहरी वस्तु का मिथ्या बोलना आसान होता है ठीक है, ये हमारे लिए परंतु हमारे अंदर के व्यक्ति को हमारा कंट्रोल करना वो बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हम इतना मेहनत करके इसको पढ़ रहे हैं कितना दिमाग लगा रहे हैं हमारे अंदर बैठे हुआ कई सत्य है, परंतु यहाँ तक की मिथ्या है, यहाँ तक की मिथ्या है। परंतु ये है कि मिथ्या की मार्ग में खड़े होकर के सत्य वस्तु का बोध होते वेदांत दीक्षित होता है, मिथ्या के मार्ग में खड़े होकर के सत्यम अधीन है ना, अन्य मार्ग स्थिरता सत्यम प्रतिपत्ति अभिधीय ऐसे बोले, यहाँ ये बोलता है कस्य सर्वेशा
बाह्य आध्यात्मिका नाम भावानाम, इसलिए मैं कल जो है ना भगवद्गीता आसन से समझ में आया वही वहाँ पे ना बाह्य स्पर्श अशक्त आत्मा बिंदति आत्मनिजल स्पर्श बाह्य बाहरी विषय बाहर समय ने क्या बोला था भगवान बस का दो बोलेंगे वहाँ पंचम अध्याय के 21वां श्लोक है, पंचम अध्याय के 21वां श्लोक है, बाह्य स्पर्श अशक्त। अरे मैं बोल रहा हूँ 21 कैसे 29 के अंदर क्यों नहीं होगा, 21 तो 29 के अंदर ही आया। बाह्य स्पर्श अशक्त आत्मा विंदति आत्मनिजल सुख, वहाँ पे शंका उठाया था कि आप बोलते हैं भगवान में मन लगाने पर हमें जो है आनंद मिलता है, परंतु तो आप देखो ये अनन्य आश्रय का तरह ग्रसित है। क्या अनन्य आश्रय ग्रसित है? भगवान में मन लगने पर जगत में मन नहीं लगता, और जगत से मन उठने पर भगवान में मन लगता है, ठीक है ना। इस शंका को लेकर के बोलना शुरू किया, तब यहाँ पे बोले थे वहाँ पे बाह्य मतलब बाहरी विषय स्पर्श स्पर्श विषय को लेकर के बोला था बाह्य स्पर्श। जब वहाँ से मन आसक्ति मतलब विषय में बार बार दोष दर्शन के फलस्वरूप वो विषय के प्रति शक्ति बुद्धि चल, और बाहरी विषय में वहाँ पे बोला था ये जो बाह्य स्पर्श बाह्यों में दो कैटेगरी लिया, एक हो गया स्थूल इस बैरियर के बाहर बाह्य और आत्मा की सापेक्ष में और इस बैरियर के बीच में, हाँ मतलब मैं जो अधिष्ठान हूँ और ये शरीर रूपी जो बैरियर इसके बीच में जो वायु मतलब पदार्थ भाव आना वो भी उस बाह्य कोटि में आ जाता है, वो भी बाह्य कोटि में आ जाता है अपने से सापेक्ष में बाहर, और एक शरीर जो बैरियर है इसके सापेक्ष में बाहर। अभी जिस प्रकार हम लोग कमरे में है, इस कमरे की दीवार के सापेक्ष में हम लोग कमरे के अंदर ये बाहर, ठीक है ना, पर हमारे सापेक्ष से ये बाहर, फिर इसी प्रकार से हम आत्मा के सापेक्ष में ये हमारे अंदर की वृत्ति है विभाग, इसमें सर्व भाव आना। ये देखिए हम बोलते हैं जगत मिथ्या, हमारे यहाँ पे एक शब्द है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये हम इसके सापेक्ष में बोलते हैं ये ऊंचा है, तब आप प्रश्न किससे ऊंचा है, ये टेबल के सापेक्ष में ये ऊंचा है, ठीक है ना। कोई भी परिवर्तन किसके सापेक्ष में दिखाई पड़ता है, एक अपरिवर्तनीय तत्व होगा जिसके सापेक्ष में आप परिवर्तन को समझ सकेंगे। स्थिर के ऊपर ही अस्थिर दिखाई पड़ता है, गति के ऊपर अवगति के ऊपर ही गति दिखाई पड़ता है, स्थिर के ऊपर अस्थिर दिखाई पड़ता है, अवगति के ऊपर ही गति समझ में आता है, ये चीज को समझना। सत्य के ऊपर ही असत्य दिखाई पड़ता है, चेंजलेस के ऊपर ही चेंज दिखाई पड़ता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये चीज। वे वेदांत मान्य को कार्य का परि तो कम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहता है, किस अभिप्राय से बोल रहे हैं, ये समझ में आया। स्थिर के ऊपर ही अस्थिरता समझ में आता है, अगति के ऊपर ही गति समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। अपरिवर्तन के ऊपर ही परिवर्तन समझ में आता है, परिवर्तन समझ में आता है। इसीलिए जब ये मैं करके हूँ, मैं बचपन से लेकर बूढ़ापा तक कितना परिवर्तन देखा अपने में, क्यों इससे क्या सिद्ध होता, मैं एक अपरिवर्तनीय तत्व हूँ, तभी मैं इस शरीर का सारा परिवर्तन कह सकता हूँ। इसीलिए ये आध्यात्मिक भाव है, ये आध्यात्मिक भाव है। इस जगह को अपने आप थोड़ा विचार करना बैठ करके कि क्या बोलना चाहते हैं। भगवान भाष्य का सर्वभाव नाम बोलते तुरंत तोड़ दिया, बाह्या नाम आध्यात्मिका नाम नाम अंदर की तो है नहीं, वहाँ पे लोग बाहर तो देखते हैं, जिस समय प्रतीति होती है उस समय बाहर देखते हैं कि नहीं देखते हैं, जिस समय प्रतीति होती है उसी को लेकर तो प्रतीति बाहर हो रहा है, फिर बाद में बोलेंगे सब यथार्थ तो स्थान में नहीं दिखाई दे रहा, बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है नाड़ी के अंदर, कैसे हो सकता है। यहाँ पे बोलते हैं कस्य की कौन मिथ्या है, तो बोलते हैं सर्वेशां भावानाम, तो सर्व भावना होता है बाह्य आध्यात्मिकानाम भावानाम पदार्थानाम स्वप्ने उपलब्ध्यमानानाम, स्वप्न में उपलब्धि हो रहा है जो भी भाव वस्तु, ठीक है ना, उन समस्त वस्तु चाहे बाह्य हो चाहे आध्यात्मिक, तो मतलब क्या होगा, स्वप्न में भी आप देख सकते हैं कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, स्वप्न में भी आप वृत्ति उठाते हैं, स्वप्न में भी आपकी वृत्ति होती है, ये सारा ये जो माया निद्रा में सोकर का हमारी जितना वृत्तियाँ हैं सारी वृत्तियों में परमार्थी बता रहे हैं। इसीलिए इसको समझाने के लिए सर्वेषां बाह्य आध्यात्मिकानां भावानां पदार्थानां स्वप्ने उपलभ्यमानानां, स्वप्न में उपलब्धि हो जितना पदार्थ होता है उसको आहु, ठीक है ना, बोलते हैं कौन लोग बोलते हैं आहू हो गया वाक्य करता, मैं बोला इसका भू धातु का एक एक्सेप्शनल रूप है, यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है, भू धातु का आह आदेश हो जाता है और उस टर्मिनेशन है आहू,
हम मतलब देखो अष्ट कर दिया कथा ये टेंथ कंजुक्शन हो गया सेकंड कंजुक्शन। कौन लोग बोलते हैं मनीष न, मनीषिक प्रातिपदिक होता है मैंने बुद्धिमान, बुद्धिमान मत नहीं कहते, कहते प्रमाण कुशला प्रमाण पाठव, मतलब जो लोग प्रमाण को लेकर के विचार करते हैं प्रमाण कैसे होता है उस लेकर के विचार करने में कुशल है जो लोग, वो लोग क्या कहते हैं प्रमाण संबंध प्रमाकरणम प्रमाणम असाधारण कारणम करणम, प्रमा उत्पन्न होने के लिए जो असाधारण कारण है उसका प्रमाण बोलते हैं। इस आँख कैसे फंक्शन कर रहा है, कौन सा प्रमाण है, कान कैसे फंक्शन कर, इस प्रकार से प्रमाण को लेकर के विचार करने में कुशल है जो लोग, वो लोग प्रमाण कुशला। बहुवचन है ना मनुष्य साठ परसेंट बोल रहा बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है कुशला है, प्रथमा बहुवचन आहु आह आह कहते प्रमाण कुशल और मनीष मनीषिणी मनीषिणी मनीषिन प्रातिपदिक है मनीषिन शशिन शशि 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 न मनीषि प्रथम एक बच्चे मनीषी मनीषी बन जाएगा मनीषी बन बांगला तो मनीषि न मनीषि प्रातिपदिक है मनीषी दीर्घिक प्रमाण दीर्घ मनीषि में दीर्घ। अब वैदत्थ आप बोल रहे हैं तो आपकी प्रतिज्ञा है, आपको प्रतिज्ञा को पुष्ट करने का हेतु देना पड़ेगा, हेतु क्या दे रहा है वैदत्थ हेतु माह विदथता के भाव में हेतु को कहते हैं अंतस्थाना, क्या है अंदर विद्यमान होने के कारण अंतस्थान में रहने के कारण, उसी का अर्थ करते हैं अंत शरीर से मध्य स्थान ही ऐसा अंत शरीर से मध्य स्थान ही ऐसा, क्योंकि स्वप्न में जो भी कोई वस्तु दिखाई पड़ता है वो हमारे शरीर के अंदर ही दिखाई पड़ता है। अंत मतलब हो गया शरीर से मध्य स्थान ही ऐसा, क्योंकि सात्विक वस्तु का स्थान शरीर के मध्य में होता है, क्यों तत्र ही भावा उपलब्ध्यन्ते, ठीक है ना, वो शरीर के अंदर ही पूरी तरह राज्य में जाके सोते हैं, वही भी सारा भाव वस्तु जो दिखाई पड़ता है उसमें उपलब्ध होते हैं उपलब्ध्यन्ते। कौन कौन पर्वत हस्तादयो न वही शरीरात, वो चाहे पर्वत हो चाहे आपका हाथी हो वो शरीर से बाहर नहीं दिखाई देगा, आपके शरीर की नाड़ी में पूरी तरह नाड़ी में जाकर के आप सोते हैं। ये क्या बोलते हैं यहाँ पे टीका भक्ति का बहुत सुंदर शब्द है, हम लोग जो भी खाते पीते हुए अंदर से ना तो उसमें बात की तौर का और जी अपने जब सोने समय जाते हैं ये इंद्रिय गुलों में बैठा है दक्षिणाशी मुख्य विश्व जब यहाँ पे बैठा है, अब उस सोने समय क्या होता है नाड़ी के माध्यम से वो हृदय जाकर के सोते हैं, अब नाड़ी के माध्यम से जाते समय ये खाइए पिए हुए अंदर से राजस्विक तामसिक अथवा शांति विनिमय तब हमको नष्ट होता है, और उसकी जो नाड़ी इतना सूक्ष्म होता है तो जीव उससे भी सूक्ष्म है उसका अंदर से जाता है, जाते समय उस नाड़ी के साथ और उसको रस के साथ उसका कॉन्टैक्ट होता है उतना हिस्सा समय उस स्वप्न देता है, जैसे ही वो उससे उसका मतलब नाड़ी के साथ उसका संबंध छोड़ देता है हृदय आकाश में आ जाता है संबंध कर देता है गहरे नींद में, जब संबंध छूट जाता हाँ तब गहरे नींद में आ जाता मतलब आकाश में आ गया मतलब आवागमन मतलब यहाँ से लेकर के हृदय आकाश तक आने में उस काल कभी कभी क्या होता है कि शरीर इतना थका हुआ होता है कि आपको वहाँ जाने में जो भी विद्यमान कुछ समय इतना कम होता है कि आपको पता नहीं लगता कुछ सो गए वही सुषुप्ति जब हृदय आकाश में जाकर तब सोते हैं, जब तक ये वहाँ से लेकर के हृदय आकाश तक नहीं पहुँच पाते तब तक आप नाड़ी में विचरण करते हैं, नाड़ी में खाए पिए हुए अन्न रस का सफ़ेद लाल काला इस प्रकार की ये हमारे आए हुए हैं बृहदारण्य उपनिषद में, तो उस प्रकार से आप स्वप्न देखते हैं राजस्व शांति उपनिषद में डर जाते हैं कहीं कुछ होते हैं फिर हृदय आकाश में जाकर के अंदर आकाश में जाकर के सोते हैं, भी बोलते हैं अंतस्थान अंत शरीर से मध्य स्थान येषां तत्र ही भावा मतलब उस शरीर के अंदर ही भावा मतलब भाव वस्तु उपलब्धि होता है, क्या क्या भाव वस्तु कभी हम मैं क्या देख रहा हूँ पहाड़ चढ़ रहा हूँ वहाँ पे कोई हाथी आ गया मेरे को भगा रहा है मैं दौड़ रहा हूँ इस प्रकार सब कुछ पर्वत हंसते आ रहे हो न वही शरीर शरीर से बाहर हमको नहीं दिखाई देता तस्मात् विदथा भवितुम अर्हन्ति, इसलिए जो भी कोई भाव वस्तु वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं वो मिथ्या ही होना चाहिए वो यथार्थ नहीं है, तस्मात् विदथा भवितुम अर्हन्ति वो जो है मिथ्या है, इस प्रकार पहले युक्ति संगत है। गुरुवादी बोलते हैं देखो भाई योग के बोलोगे सोच समझ के बोलो, अंतस्थान में होने से मिथ्या होगा
तब तुम बोलने वाला युद्ध मित्र ही हो गए, क्योंकि तुम शरीर से ढके हुए हो, कपड़े से ढके हुए, कपड़े के अंदर शरीर तुम मित्र हो गए। तब बोलते हैं ननु अपवर्गादि अंतराल अंतर उपलब्ध माने घटादि भी अनेकांतिक हेतु, अनेकांतिक मत हेतु व्यभिचारी, आपने क्या दिया अंतस्थानत्वातु भावना, ठीक है ना। तो आपको अंतस्थानत्व तो आपको घर कमरे के अंदर खड़ा है, कमरे के अंदर खड़ा का अंतस्थानत्व तो हेतु बैठ जाएगा, परंतु मिथ्या नहीं है। आपने क्या बोला भाबा स्वप्न भाबा मिथ्या अंतस्थानत्व, इसका व्यभिचार स्थान कहाँ दिखाया, कमरे के अंदर खड़ा है, उस कमरे के अंदर खड़े का अंतस्थानत्व बैठा हुआ है, तो अंतस्थान है परंतु मिथ्या नहीं है, तुम भी नहीं मानते, परंतु तुम्हारे हेतु व्यभिचारी हेतु, हेतु व्यभिचारी है, मतलब क्या है आपका कि हेतु तो है पर साध्य नहीं है, हेतु है साध्य नहीं है, हेतु हेतु के अंतस्थान तो बैठा हुआ है परंतु साध्य मिथ्या नहीं है, इसलिए हेतु व्यभिचारी, हेतु व्यभिचारी, इसलिए बोलते हैं कि तत्र ही भाव उपलब्ध्यन्ते पर्वत स्तर न वही शरीर तस्मात् वितथा भवितुम अर्हति, मतलब स्वप्न भाव वितथा भवितुम अर्हति अंतस्थान, तद अनुमान क्या आपने अपूर्वत ननु अपवर्गादि अंतर उपलब्ध्यमान ही घटादि भी, चार दीवार के अंदर उपलब्धि हो रहा है खाट पाट टेबल चेयर आदि, उसको तो तुम मिथ्या नहीं बोल रहे हो। इसलिए बोलते हैं कि अपवर्गादि अंतर उपलब्धमान ही घटादि भी अनेकांतिक, मतलब व्यभिचारी का हेतु आपके हेतु व्यभिचार अनेकांतिक है व्यभिचारी है, इति आसन कैसे शंका करने बोलते आपके अमर अभिप्राय को समझ नहीं, हमारा अंतस्थान से कहने का अभिप्राय है संवृतत्व हेतु ना संबद्ध रूप से आवृत, मतलब छोटा जगह में मतलब अजोग्य स्थान में दिखाई देने का, ये हम अंतस्थान से हमारा अभिप्राय क्या है, जहाँ पे जो देखना नहीं चाहिए वो हमको दिखाई देना। अब यदि इसको समझ जाएगा तो अब आपको आगे समझ में आएगा क्या चीज हो रहा है, इसलिए संवृतत्व हेतु ना इति ये जो आपने चौथा पाद है, मतलब अंत समृद्धि स्थानादिति अर्थ, मतलब अंदर के स्थान अत्यंत संकुचित होने के कारण, अत्यंत संकुचित होने अत्यंत संकुचित स्थान है ऐसा होने के कारण इति अर्थ, मतलब यथार्थ स्थान नहीं होने के कारण, नहीं अंत समृद्धि देहांतर नाडीशु पर्वत हस्त्यादि नाम संभव अस्ति, क्योंकि ही मतलब क्योंकि अंत समृद्धि मतलब अत्यंत संकुचित स्थान में, अंत संवृत्ति का अर्थ कर अत्यंत संकुचित स्थान में होना है, देहांतर नाडीशु शरीर के अंदर, शरीर के अंदर भी नाड़ी नाड़ियाँ तो और सूक्ष्म होता है जिसके अंदर उस समय जीव रहता है, पर्वत हस्त्यादि नाम पर पहाड़ हाथी वहाँ होना संभव ही नहीं है, न संभव अस्थि, ठीक है ना, न संभव अस्थि, ठीक है, नौ पर सवाल नहीं होता, तो ही मतलब क्योंकि अंत संवृत्ति मतलब अत्यंत संकुचित स्थान में, अंत अत्यंत संकुचित स्थान में कौन है वो देहांतर नाड़ी शरीर के अंदर नाड़ियों में पर्वत हस्त आदि नाम वहाँ बड़े बड़े पहाड़ तो हाथियों का होना संभव नहीं है, होना न संभव अस्थि, नहीं देह पर्वत अस्थि शरीर के अंदर तो पर्वत होना संभव ही नहीं है, इसलिए उसको मिलता जहाँ पे जो होना संभव नहीं है वहाँ पे यदि वो दिखाई दे, मतलब क्या उसी स्थान में यदि उसका निश्चय हो जाता है, जहाँ पे जो होना संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर दिखाई दे उसको तुम सभी बात इसको मिथ्या बोलते हैं, सभी बात इसको मिथ्या बोलते हैं। अब देखिए इसको टीका कर समझाएंगे, टीका कर बोलते हैं आप थर्ड लाइन पर आइए बीच में, टीका की थर्ड लाइन पेज 79, न केवल आप तो उक्ति वशादेव स्वप्न मिथ्यात्म किंतु युक्ति तो अभी इति आह, ठीक है ना, केवल न तो बड़े पुरुषों ने शास्त्रों ने बोल दिया इसी सापने वस्तु में, ये बात नहीं है, आप युक्ति के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं, न केवल आप तो युक्ति वशात केवल मात्र आप तो पुरुष मतलब शेष पुरुष अथवा विशेष पुरुष बुद्धिमान पुरुष विवेकी पुरुष शास्त्र वाक्य ऋषियों के वाक्य के फलस्वरूप स्वप्न मिथ्या ये बात नहीं है, एवं स्वप्न मिथ्यात्म किंतु युक्ति तो अपनी युक्ति के द्वारा भी, युक्ति के द्वारा भी, युक्ति से भी आप इसको समझ सकते हैं, युक्ति तो पंचमशील प्रत्यय है उसको समझ सकते हैं, क्योंकि आहुषि के मन में कहते हैं अंतस्थान, तो ये प्रतीक कहाँ पे है, ये प्रतीक मूल मूल में अंतस्थान भावना पूर्व उत्तर प्रकरण युह संबंध सिद्धियार्थम पूर्व प्रकरण वृत्तम संक्षिप्त अनुवदति। अब देखिए ये है हमारी वेदांतिक, पूरा ग्रंथ में चार अलग अलग प्रकरण आते हैं, भगवद गीता में पूरा 18 अध्याय है, 18 अध्याय कोई अलग अलग कथा नहीं है, सब मिलकर एक ही तत्व को प्रतिपादन करते हैं, क्या प्रतिपादन करते हैं, अत्यंत युग में
ठीक है ना, किसी प्रकार मान लो को कार्य कर। सभी उपनिषद का प्रतिपादन विषय एक ही है, जीव ब्रह्म ही बना, जीव ब्रह्म ही बना, कई प्रतिपादन विषय। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पूर्व उत्तर प्रकरण हो, पूर्व प्रकरण था आगम प्रकरण, उत्तर उत्तर प्रकरण वैतत्व प्रकरण, इन दोनों प्रकरणों के बीच में संबंध सिद्धि, क्या संबंध है उसको सिद्ध करने के लिए पूर्व प्रकरण इसका पहले प्रकरण में वृत्त मतलब जो कथन किया गया है उसको संक्षिप्त संक्षेप करके अनुवदति भगवान भाषण, ठीक है। पंक्ति को देखिए आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक से पढ़ लेंगे तो। पूर्व उत्तर प्रकरण हो, पहला प्रकरण आगम प्रकरण, उत्तर प्रकरण वैतत्व प्रकरण, इन दोनों प्रकरणों का संबंध सिद्धि अर्थम, इस प्रकार प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय के बीच संबंध सिद्ध करने के लिए, द्वितीय अध्याय मतलब कितना एक एक करके समझाते हैं, केवल इतना ही नहीं प्रत्येक श्लोक के साथ प्रत्येक श्लोक का संबंध। भगव आपको देखो हमारे ब्रह्मसूत्र में प्रत्येक अध्याय के साथ प्रत्येक अध्याय के संबंध, प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक अधिकरण के साथ अगला अधिकरण का संबंध, प्रत्येक अधिकारण में आया हुआ एक सूत्र का दूसरा सूत्र का संबंध है हमारे ब्रह्मसूत्र में, ऐसा भी बोले आचार्य एक एक करके दिखाते हैं कैसे एक तब तक क्या होगा, सभी पूर्ण मिल करके एक ही मतलब भगवान भाष्कर बोलते हैं वेदांत वाक्यानाम पुष्पानाम माला, वेदांत वाक्यों के बने हुए पुष्प का माला है ये ब्रह्मसूत्र, जिसको ब्रह्मसूत्र बूथा है उसको वही ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र मतलब वेदांत में आया हुआ है वाक्यों को कुसुमों को एक धागा में गूंथ दिया गया वो गया ब्रह्मसूत्र, ये पूरा ग्रंथ मिलकर के एक वाक्य, इसलिए बोलते हैं पूर्व ग्रंथ के संबंध क्या है, इसलिए हमें बोलते हैं पूर्व उत्तर प्रकरण यो संबंध सिद्धि अर्थम, पूर्व प्रकरण है वृत्तम, पहले प्रकरण में जो घटना घट गया उसको संक्षिप्त संक्षेप करके अनुवदति दोबारा बोलते हैं भगवान भाषण अनुवदति, इसलिए इससे क्या सिद्ध होता है। तीन नंबर टिप्पणी है ना, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते स्मृति के ऊपर, तीन नंबर टिप्पणी मतलब अवसर संगति अनेन सुजिता, अवसर संगति मतलब अवसर संगति क्या है, मैं पहले बोला कि अनुमान के द्वारा कोई चीज़ को कथन करने के लिए अनुमान जिसके ऊपर आधारित होगा उसको पहले कथन करना पड़ेगा, अनुमान स्वतंत्र नहीं हो सकता, तो अनुमान जिसको पुष्ट करने के लिए आप अनुमान करना चाहते हैं पहले आपने उसने कथन किया, अब आप युक्ति के द्वारा उसको पुष्ट, इसलिए अवसर संगति कितना आपको स्पष्टीकरण है क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों मैं पहले ही बोला अनुमान करने के लिए उसके पहले आपको कोई वस्तु का ज्ञान चाहिए, अनुमान और अंदाज एक वस्तु नहीं है, गलत नहीं करना, अंदाज लगाना और अनुमान करना एक वस्तु नहीं है, अनुमान में व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए, अंदाज और कुछ भी लगा तो कुछ देख करके कुछ कर दिया है ना, गेसिंग ये और इन्फ्लुएंस इज नॉट द सेम थिंग, अंदाज अर्थापत्ति नहीं, अर्थापत्ति में भी हमको युक्ति लगाते हैं, हम देखते हैं कि यदि वो व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता तो ऐसा नहीं हो सकता, तो वहाँ भी युक्ति है। तो यहाँ पे ये जो कि अवसर संगति क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्योंकि अनुमान प्रमाण को लागू करने के लिए उसके पहले कोई ज्ञान आपको चाहिए, इसीलिए यहाँ पे आगे पहले आगम वाक्य के द्वारा क्या सिद्धम सिद्ध करना चाहते हो पहले कथन कर दिया, अब उसको अनुमान के द्वारा पुष्ट करना चाहते, इसलिए आपका अनुग्रह अनुग्रह का भाव है, इसलिए हम बोलते हैं अवसर संगति, पूर्व उत्तर प्रकरण और संबंध सिद्धि अर्थ, वेदांति की टेक्निकल यहाँ पर पूरा मिलेगा और साथ में आपका एनालिसिस का प्रसिद्ध भी मिल जाएगा, इसलिए हमें कि संबंध सिद्धि अर्थ पूर्व प्रकरण वृत्तम, पूर्व प्रकरण में जो कहा गया था उसको संक्षिप्त प्रकरण का अनुवादति, ये जो है तीन नंबर टिप्पणी मतलब अवसर संगति अनेन सूचित, इसके द्वारा टीकाकार क्या दिखाना चाहता है, मतलब पूर्व उत्तर ग्रंथ में अवसर संगति ये कथन करने के बाद इसके आने का मौका मिला, ये अवसर संगति। फिर वहाँ पे क्या बोलता है, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति उक्तम एकमेव अद्वितीयम इत्यादि श्रुतिभ्य, यहाँ पे जो आदिपद आया हुआ है कहाँ है आदिपद, कहाँ है आदिपद, एकमेव अद्वितीयम इत्यादि, हाँ ये आदिपद, तो इस आदि देखिए आदि शब्देन जत्र द्वैतमिव भवति तत्र इतरेतरं पश्यति, वेदार्णक 2-5-14 ये हम नंबर दिया है आपका पुस्तक में, नहीं दिया लिखिए उसको, ये वृहदारण्यक उपनिषद मैत्री ब्राह्मण का है ना, जत्र ही दैतम इव भवति तत्र इतर इतरम पश्यति इतर इतरम मनुते इतर इतरम जिग्रति, जत्र तो सर्वात्मा ही बाप होता कह रहा हम पश्य वृहदारण्य पूरा, जिस समय आपका द्वैत जैसा दिखाई पड़ता है उस समय व्यवहार करते हैं, तब जिस समय शो आत्मरूप हो जाता है तब कौन किससे क्या व्यवहार करे है ना, ये हमें ज्ञाते द्वैतम ना विद्यते इसको पुष्ट पुष्ट करने के लिए वृहदारण्य शुद्धि को भी आप जोड़ आदि शब्देन यत्र द्वैतमिव भवति इत्यादि श्रुति गृह्यते, इस प्रकार श्रुति को हमें ग्रहण करना चाहिए। तर्हि
द्वैत मिथ्यत्वस्य प्राग् एव सिद्धत्वात् उत्तर प्रकरणम अनर्थकमिति आशंका। आप जब द्वैत प्रपंच मिथ्य है आगम वाक्य के द्वारा सिद्ध हो गया तब आपकी द्वैतत्व प्रकरण क्यों लिखने जा रहे हैं? तो क्या बोला था? आगम मात्र मत है, केवल स्तुति वाक्य है, अभी आपका अनुभव में नहीं आया। आपके पास कितने भी बड़ा लाइब्रेरी हो और लाइब्रेरी में कितने भी सारे वेदांत के ग्रंथ हो, हम मुक्त हो जाएंगे कि नहीं? हम मुक्त नहीं होंगे। वो आगम मात्र तरह तक और सजा कर रख दिया आपने, ठीक है थोड़ा मतलब मेधा है तो धारण क्षमता आ गया, परंतु वो लाइब्रेरी आपको मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें बोलते हैं आगम वो अनुभव में लाना पड़ेगा। अनुभव में लाने के बाद क्या आपको विचार करना है, इसके लिए रास्ता खोल, इसके लिए रास्ता खोल। श्रुति वाक्यों को समझने के लिए अनुकूल विचार कैसे करना, उसके लिए अगला प्रकरण शुरू होता है। यहीं पर समाप्त ग्रंथ क्यों नहीं है? जब आपने आगम के आधार पर सिद्ध कर दिया जगत मिलते हैं तो ग्रंथ को यहीं पर समाप्त क्यों नहीं कर रहे? बोलते इतना मात्र से आपका काम मानने वाला नहीं, आपको अनुभव करना। तो अनुभव कैसे करेंगे? युक्ति पुष्ट होने, युक्ति लगाकर आपको मनोवृत्ति बदलता रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि तरी द्वैत मिथ्यत्वस्य प्रागेव सिद्धम्। तो द्वैत का मिथ्यत्व पहले सिद्ध हो गया, उत्तर प्रकरण अनर्थकम, अगला प्रकरण की उपयोगिता ही नहीं है। इति आशंका, उसको शंका करके बोलते हैं आगम मात्र तत्, है ना? वो तो केवल आगम मात्र है, केवल श्रुति वाक्य है, परंतु आपका अनुभव में नहीं है। इसीलिए तत्र उपपत्तिरपि द्वैतस्य वैतत्व शक्यते, युक्ति के द्वारा भी आप द्वैत प्रपंच के मिथ्यत्व को समझ सकते हैं, अवधारयितुं निश्चय कर सकते हैं। इसीलिए द्वितीय प्रकरण शुरू किया जाता है, द्वितीय प्रकरण आरभ्यते द्वैतत्व मिथ्यत्व। जद द्वैत टीका में जद द्वैत मिथ्यत्व पूर्वमुक्तम, जो द्वैत के मिथ्यात्व को पहले कहा गया है, तब आगम मात्र को केवल मात्र कुछ वाक्य है, आगम प्राधान्येन अधिगतम, मतलब श्रुति वाक्यों की प्राधान्यता देकर के समझ में आया, परंतु अनुभव नहीं। न तो युक्ति तो सिद्धम, परंतु युक्ति के द्वारा सिद्ध नहीं, अनुभव में नहीं आया। इसलिए यदि वो आगम वाक्य युक्ति के द्वारा रेइन्फोर्स हो जाते, आप देखना कि राजनीतिक पार्टी में कुछ कैडर होते हैं, कुछ फ्लोटिंग कैडर होते हैं, कुछ डेडिकेटेड कैडर होते हैं, कुछ फ्लोटिंग कैडर होते हैं। डेडिकेटेड कैडर अपने पार्टी का पूरा सिद्धांत को पकड़ करके फिर उसमें प्रवेश किया, और फ्लोटिंग कैडर होता है सुविधा काम में भी नहीं उसको लेकर। हमारे यहाँ भी यदि इस मार्ग में अधिक सुविधा मिल रहा है तो हम वहाँ चले जाएंगे, परंतु यदि वैदांतिक सिद्धांत को युक्ति के द्वारा पुष्ट करके, चाहे उस पार्टी में दो ही सदस्य क्यों ना हो पार्लियामेंट में, फिर भी आप उसको पकड़ के रखेंगे, क्योंकि एक दिन क्योंकि ये युक्ति संगत है। इसलिए हमें बोलते हैं वैदांतिक पूरा सिद्धांत जो हमारे मूल तत्व काम आता है व्यवहारिक न युक्ति तो सिद्धम, युक्ति के द्वारा सिद्ध नहीं है। तस्मिन् आगमत अवगति युक्ति प्राधान्य अपि तन्मिथ्यत्व अवगंतव्य इति प्रकरणान्तरम् आरोधव्यम् इति अर्थ। तस्मिन् इति वहाँ पे ना तत्र उपपत्ति अपि द्वैतस्य वैतत्व शब्द मतलब तस्मिन् आगम तो तस्तत्व मतलब आगम तो अवगति है ना, आगम से तस्मिन् शब्द श्रुति से बोध हुआ जो उस विषय में उसी से तत्र अर्थ हो गया। ऊपर है ना तत्र उपपत्ति अपि तत्र मतलब श्रुति से बोध हुआ जिस विषय में उस विषय में युक्ति भी है। इसलिए हमें बोलते हैं तत्र आगम तो अवगति युक्ति प्राधान्य न हो, वहाँ पे प्राधान्यता था आगम का श्रुति बात होगा, अब यहाँ पे प्राधान्यता कैसे होगा? युक्ति की प्राधान्य, युक्ति युक्ति प्राधान्य न अपि तन मिथ्यत्व मतलब जग हुई मतलब सर्वभावान मिथ्यत्व, यहाँ पर तब सबसे कह लेंगे तन मिथ्यत्व, ठीक है पंक्ति को देखते हुए चल तस्मिन् आगमत अवगति युक्ति प्राधान्य न अपि तन मिथ्यत्व, ये देखिए कैत्रो नाम आ गया तन मिथ्यत्व से क्या लेंगे, हाँ मतलब सर्वभावान मिथ्यत्व समझना चाहिए थी। आगे यहाँ पे क्या लिखा इसी के बाद यहाँ पे वही होगा आकार आरब्धव्यम आरब्धव है आरब्धम इति अर्थ मींस चैप्टर प्रकरण मींस पर्टिकुलर टॉपिक प्रकार मींस आकार। अब क्या हो गया अब ये चीज की इस लाइन को ध्यान रखना अच्छी तरह से, हर जगह में काम है प्रमाण अनुग्रह तर्कस्य अनुग्राह्य प्रमाणस्य प्राधान्यत्वात्
तब अधिक विचारानंतरम तर्क अधिना विचारस्य सावकाशत्वात् युक्तम पौर्यापर्य पूर्वोत्तर प्रकरणयो इति उक्तम्। ये आनंद की दिशा को टेक्निकालिटी वेदांत की टेक्निकालिटी बताते हैं। बोलते हैं प्रमाण अनुग्रहकत्वा आगम एक प्रमाण है, उस प्रमाण को वो अनुग्रही है। अब अनुग्रही मतलब अनुग्रहित होना योग्य, मतलब वो जो कह रहा है वो सही है, तो परंतु जो उसको अनुग्रहण करने वाला कौन होगा, वो युक्ति। इसे बताए कि प्रमाण अनुग्रहकत्व तर्कस्य, तर्क मतलब अनुमान, तर्क मतलब आपका विचार। विचार क्या होता है, जो आपको पहले आपने जाना उसको पुष्ट करता है, उसको पुष्ट करता है। प्रमाण अनुग्रह का ग्रहकत्व तर्कस्य, तर्क आगम प्रमाण का अनुग्रह होता है। ग्राहक मतलब क्या होता है, ग्रहण करने वाला है ना, ग्राहक मतलब ग्रहण करने वाला, वो श्रुति प्रमाण को पहले ग्रहण किया और फिर उसको पुष्ट करने के लिए युक्ति होती है। अनुग्राह अनुग्राह और अनुग्राह्य, अनुग्राहक हो गया आपका अनुमान और अनुग्राह्य हो गया आपका श्रुति आगम। क्योंकि मैं पहले बोला देखना, अनुमान प्रमाण करने का फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अनुमान अनुमान प्रमाण करने के लिए उसके पहले आपको कोई ज्ञान चाहिए, व्यक्ति ज्ञान चाहिए। यहाँ भी जब आप अनुमान करने जा रहे हैं, आपको श्रुति आप श्रुति से जो ज्ञान वो पहले चाहिए, अब उस ज्ञान को पुष्ट करने के लिए, उस ज्ञान को पुष्ट करने के लिए आप तर्क ला रहे हैं, अनुमान ला रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप बोलते हैं ये हर जगह पर इसकी सिद्धांत घटेगा, अनुमान जहाँ भी आप करेंगे। मनमन जी अनुमान नहीं कर सकता, अनुमान लगाना अंदाज के लगाना दोनों, एक अनुमान करना अंदाज लगाना एक नहीं है, बस भिन्न है। यहाँ पे पहले आपको कोई ज्ञान होना चाहिए, श्रुति से आपका जगत के मिथ्यात्व संबंधित ज्ञान हुआ, अब उसको पुष्ट करने के लिए अनुकूल तर्क आप दे रहे हैं। इससे श्रुति हो गया अनुग्रह और ये हो गया अनुग्रह, अनुग्रह करने वाले श्रुति हो गया अनुग्रह को ग्रहण करने योग्य, क्योंकि उसको पुष्ट करना चाहिए। श्रुति बाप मित्र नहीं हो सकते, इसीलिए आप बोलते हैं प्रमाण अनुग्रह तर्क अनुग्रह प्रमाण से अनुग्रह प्रमाण के आगम। इसलिए प्रधान अर्थ दो प्रधान होता है, मुख्य यही है। व्याप्ति ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो अनुमान नहीं कर सकते हैं, इसलिए व्याप्ति ज्ञान प्रधान हो गया, व्याप्ति ज्ञान हो गया प्रधान, हो गया शेष और ये हो गया शेषांग अनुमान। इसलिए बोलते हैं कि आप प्रमाण से प्रधान अर्थ तद अधीन विचारानंतरम, उसके अधीन होकर के आगे का विचार होगा। तर्क अधीन विचार सो ही तर्क विचार से सावकाश होता, पहले आपको ज्ञान हो गया अब उसके बाद तर्क का अधीन विचार के लिए अवकाश मिल जाता है, नहीं तो आप मन मन जो करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं, जो आपने पहले आगम जो सिद्धांत को प्राप्त हो उसको पुष्ट करने के लिए अनुकूल तर्क होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि तर्क अधीनत्वाद विचार से सावक, इसलिए वहाँ पे क्या पड़ा था अवकाश अवसर संगत, मतलब अवकाश आया, पहले आपने आगम से प्रमाण प्राप्त हुआ अब उसका अवसर आया, तो इसलिए आप उसको कर रहे हैं। पौर्वापर इसे दोनों में संबंध है, पूर्वापर भी संबंध है, उत्तर प्रकरण है द्वितीय उत्तर, ऐसे आप देखा होगा। यहाँ पे सावकाश अवकाश लाभा पांच नंबर की टिप्पणी है, सावकाश अवकाश लाभा यहाँ पर चार नंबर प्रधान अर्थात मतलब शेषी पर, मतलब आगम प्रमाण हो गया शेषी है ना, जैसे आपका दर्शन पूर्णमा जात हो गया आपका शेषी, अनुजात प्रयास हो गया शेष अंग, उसका अंग ठीक, उसी प्रकार आगम प्रमाण हो गया शेषी और तर्क हो गया उसका अंग, उसको पुष्ट करते हैं। जिस प्रकार दस पूर्णमा जाप के फल को प्राप्त करने के लिए अनुजात प्रयास उसको पुष्ट करते हैं, इस प्रकार आगम प्रमाण हो गया शेष उसको पुष्ट करने के लिए अनुमान, ठीक ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहीं पर रखेंगे, पूर्वोत्तर प्रकरण छह नंबर टिप्पणी, पूर्वोत्तर प्रकरण श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो मंतव्य सुपत्ति मंतव्य उपपत्ति भी और युक्ति के द्वारा उसको समझना भी चाहिए, इति न्यायादिति भाव, ठीक है। अब जो है आप यहीं पर रखते हैं आज कौन सा होगा, पहला बार आज चार पाँच ना आज लास्ट वाला सुनय प्राप्त